जिन्हें गुप्त रूप में पानी पीने की बीमारी है, जिसे हम पानी कहते हैं, वो गुप्त रोग से ही है। अब जो कोई भी हो अपने पेट पर हाथ रखो। सिस्टर की जो सिस्टर अलग अलग गांव के रहने वाली है और इनकी एक ही प्रॉब्लम की सेम गवाही है, और जो सिस्टर मकबूलपुरे से हैं और इनकी गवाही जे जो बता रहे कि इनको 4 साल से लुकोरिया की प्रॉब्लम थी, पानी पीने की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनके पेट में दर्द रहता था, और जो बता रहे कि इसके कारण इनको बाथरूम में पस्त आती थी, और जो इन्फेक्शन की मेडिसिन भी खा रहे थे, और जो सिस्टर बताते कि इनको ऐसे जब भी जो वॉशरूम जाते इनको जलन रहती थी, और इस कारण जी बहुत परेशान थे, 4 साल से इस प्रॉब्लम में थे, और जे जैसे जो प्रभु में आए उस समय से विश्वास कर रहे थे कि जैसे परमेश्वर आपने मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही को बनाया है और मेरी इस गवाही को भी बना चुके हो, और ऐसे जो धन्यवाद में बने रहे। और सेकंड जे सिस्टर कमो गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे बता रहे कि इनको भी 16 साल से पानी पीने की लुकोरिया की प्रॉब्लम थी, और जे सिस्टर भी बहुत परेशान रहते थे और इनके भी पेट में दर्द रहती थी, और जे सिस्टर मोदल गांव से हैं और जे सिस्टर को 1 महीने से जे प्रॉब्लम थी, और जे सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे, इन्होंने भी मेडिसिन 2-4 दिन के लिए खाई थी पर फिर भी जे प्रॉब्लम अच्छी नहीं हो पाई, और जे सिस्टर बता रहे कि इनके कपड़ों में से भी बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती थी, और जे बहुत परेशान हो चुकी थी बहन इस प्रॉब्लम के कारण, और ये तीनों ही इस प्रॉब्लम के कारण परेशान थी। और जैसे जे सिस्टर्स इस थर्सडे की मीटिंग में आए और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे, और प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि जिनको पानी पीने की प्रॉब्लम है, गुप्त प्रॉब्लम है, वो आज आजाद होने वाले। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। कुछ बहनों को जिन्हें गुप्त रूप में पानी पीने की बीमारी है, जिसे हम पानी कहते हैं, वो गुप्त रोग से ही है। अब जो कोई भी हो अपने पेट पर हाथ रखो, रखो रखो पेट पे हाथ रखो, जिनको मैंने कहा था रखो रखो, जितने भी लोग हैं जिनके साथ ऐसे होता है, जिन्हें ये गुप्त रोग की प्रॉब्लम है, जिन्हें पानी पीते हैं, कुछ बहनों को ये दुष्ट की बीमारी है, मैंने कहा ये दुष्ट की बीमारी है, आप एक साइड में आ जाओ, आज परमेश्वर आपको डिलीवर करने वाला है, फ्री करने वाला। उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मेरे पीछे बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जो आज तूने मेरे लिए जो बोला है, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, मैं निश्चय अपनी गवाही से आऊंगी, मैं निश्चय अपनी गवाही से आऊंगी, आज तेरे वचन के द्वारा मैं छुड़ाई जा चुकी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आज मैं तेरे वचन के द्वारा छुड़ाई जा चुकी हूँ। इन बहनों ने इस हीलिंग को रिसीव किया और जे बता रहे कि परमेश्वर ने आज इनको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। सुनो सुनो सुनो, अपने अभी वीडियो क्लिप में देखा एक ही रोग के कितने लोग थे, अभी वीडियो क्लिप में देखा ना, अभी ये 3 हील हुए कि और भी कोई हील हुआ मगर वो पहुंचा नहीं, वो और भी 2-3 जाने थे वो पहुंचे नहीं, वो थर्सडे की मीटिंग में आएंगे। हाँ, 2 के 3 तीन लोग और हैं, मतलब मान लो अगर हम उस वीडियो क्लिप में देखे तो कम से कम ये कितने लोग होंगे, 15-16 लोग थे जिनमें से 6 को परमेश्वर ने हील कर दिया, 3 पहुंचे नहीं है मगर 3 आस आपके सामने उस दिन जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से बोलो जो मेरे मुंह से छुटकारे का वर्ड दिया कि मैं कुछ बहनों को देख रहा हूं जिन्हें पानी पहने की ये बीमारी है। अब बताओ मुझे सबको कितने कितने समय, सबसे पहले ये जेलो दुपट्टे वाले जिन्होंने पीला सूट, आपको ये प्रॉब्लम कितने समय से थी, महीने से, 1 महीने से, हाँ जी। और जिसके कारण अभी रुको क्या हुआ, तो जिसके कारण
जब वो पानी बहता तो बैड स्मेल आती थी, आपके कपड़े गीले हो जाते थे, आपको बहुत ऐसे जैसे बेइज्जती महसूस होती ना अपने आप को, ऐसे होता है, जिसके लिए आपने बहुत मेडिसिन खाई मगर कुछ भी। और जिस दिन से आपको थर्सडे की हीलिंग आपने उस दिन उस वर्ड को रिसीव किया छुटकारे को, और उस दिन से आपको दोबारा कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको कितने समय से थी? 4 साल। 4 साल से ये चीज, 4 साल से आप क्या मेडिसिन खा रहे थे? फिर थोड़ा सा हल्का दवाई खाने से थोड़ा ठीक हो जाता, फिर छोड़ते, फिर होना दे, मतलब 4 साल ऐसे चल रहा था। तो आप काफी प्रॉब्लम में होंगे, सेम जैसे इनके साथ था आपके साथ भी वैसे ही होता था, कपड़े गीले हो जाते थे, बैड स्मेल, कुछ ऐसे बहुत अपने आप को जैसे लज्जा आती होगी, है ना, शर्म आती है कि ये है ना प्रॉब्लम है ना। हाँ जी। तो परमेश्वर ने जिस दिन आपने भी उस छुटकारे को वर्ड को रिसीव किया, खुदावंद ने आपको भी फ्री किया। हाँ जी। आगे जाऊं, आपकी सब आपकी प्रॉब्लम कितने समय से? हाँ जी सर जी, मेरी 16 साल हुई। 16 साल से? हाँ जी। बाप पूरे बाप। तो 16 साल से आप भी क्या कर रहे थे? सर जी मैं पहले की खानी है दवाई, जो मैं प्रभु वे चागी मैं नहीं कभी खा दी दवाई। अच्छा ठीक है, ये देखो ये तो अच्छी बात है, पहले आप मेडिसिन खाते थे इस चीज के लिए, मगर जब आप प्रभु में आगे आपने छोड़ दी, मगर वो चीज चल रही थी। हाँ जी। बोलो क्या थी वो? मतलब वो प्रॉब्लम अभी चल रही थी पर आप विश्वास से मेडिसिन खाते। देखो परमेश्वर भला है। बोलो क्या है परमेश्वर? इन्होंने बड़ा मन बनाया, बड़ा विश्वास किया, प्रॉब्लम है मगर जब से प्रभु में आए, आपको कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए, बाप रे बाप। फिर भी अपने बड़ा मन बना कर रखा, क्योंकि परमेश्वर जानता है। बोलो क्या है? वो जानता है आपके मन को। और उस दिन परमेश्वर ने थर्सडे की मीटिंग, इसलिए मैंने स्पेशली बोला था कि ये 3 थर्सडे आपके बड़े छुटकारे और आपकी बड़ी ब्लेसिंग कई है। बोलो क्या है? अरे ये छोटी बात नहीं। बोलो क्या है? इनको 1 महीने बोला ना अपने जो चैल वाले, हाँ, और इनकी 4 साल और 16 साल। हाँ देखो, और 6 लोगों को अभी 3 की हम गवाही दे रहे हैं ना, तो हील किया। क्या किया? एक साथ परमेश्वर ने हील किया। जो बाकी रह गई, क्या परमेश्वर उन्हें चंगा नहीं करता, उन्हें प्रेम नहीं करता? करता है। अगर आप इनकी गवाही को देखकर विश्वास कर रहे हो, तो आप भी अपनी गवाही से आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप भी आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, इस बड़े चमत्कार के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जो काम मेरे लिए मुश्किल ओ आसान ने ये सूले, जो काम मेरे लिए मुश्किल हाथों को उठाते ये